आईपीएल 2020 की ऑक्शन की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 की ऑक्शन की डेट, टाइमिंग्स, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स और साथ ही साथ सभी टीमों के पर्स बैलेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी आईपीएल 2020 की ऑक्शन की ए टू जेड एकदम सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त स्टार्ट करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस ऑक्शन की डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस ऑक्शन की डेट अब बहुत ही ज्यादा पास हो चुकी है। दोस्तों 19 दिसंबर को आईपीएल 2020 की ऑक्शन होने वाली है। तो दोस्तों इस 19 दिसंबर को ही हमको यह ऑक्शन लाइव देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब अगर इसके डेट के बाद वेन्यू के बारे में बात करें तो ज़्यादातर दोस्तों जब भी आईपीएल की ऑक्शन होती है वह दोस्तों ज़्यादातर या तो मुंबई या फिर बेंगलोर के किसी होटल में होती है, परंतु इस बार ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल किया है और इसी वजह से इस बार की ऑक्शन बेंगलोर या फिर मुंबई में नहीं बल्कि कोलकाता के एक होटल में होने वाली है। तो दोस्तों कोलकाता के होटल में आईपीएल 2020 की ऑक्शन पूरी तरह से चलने वाली है। तो दोस्तों अब अगर डेट और वेन्यू के बाद इसके टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों अभी तक बीसीसीआई ने आईपीएल की ऑक्शन की जो टाइमिंग्स है वो रिवील नहीं की गई है, परंतु दोस्तों अभी जो उम्मीदें हैं वो यही है कि दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच यह ऑक्शन लाइव चलने वाली है। तो दोस्तों टाइमिंग्स के साथ ही साथ अगर इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो दोस्तों यह ऑक्शन कुछ ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मात्र एक ही दिन चलने वाली है और 6-7 घंटों में यह ऑक्शन समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यह ऑक्शन एक मिनी ऑक्शन फॉर्मेट में होने वाली है। तो दोस्तों अब अगर इन सभी जानकारियों के बाद सभी टीमों के पर्स बैलेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास बचा है कुल 14.6 करोड़ रुपए और इतनी रकम में दोस्तों यह कुल 5 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास बचे हैं 27.85 करोड़ रुपए, यह कुल 11 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के पास बचे है दोस्तों कुल 42.7 करोड़ रुपए जिनमें वह 9 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास बचे है कुल 35.65 करोड़ रुपए, इनमें यह कुल 11 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। मुंबई इंडियंस टीम के पास बचे है कुल 13.05 करोड़ रुपए, इनमें यह कुल 7 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास बचे है कुल 28.9 करोड़ रुपए जिनमें वह 11 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास बचे है कुल 27.9 करोड़ रुपए जिनमें वह 12 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। और टीम यानी कि सनराइजर हैदराबाद के पास बचे हैं 17 करोड़ रुपए जिनमें वह 7 खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यह थी सभी टीमों के पर्स बैलेंस की जानकारी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल 2020 के ऑक्शन में सबसे महंगा बिकने वाला है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।